कर दीजिए स्टार्ट। हाँ सर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब हम लोग आज से जो जितने एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर है वो सारे कवर करेंगे। देखिए अगर है ना, अगर हम लोग केवल करंट अफेयर को लेके चले और सीधे हम सोचे कि यूपीएससी में हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए है ना रेडी रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। पहले क्योंकि देखिए, एक ऑप्शन में आपको करंट अफेयर दे सकता है, लेकिन बाकी के जो दो ऑप्शन रहते हैं उसमें क्या है, स्टैटिक को किसी तरीके से है ना मोल्ड करके पूछ सकता है आपसे। तो मतलब समझिए, आपको पैरेलल और पैरेलल लेके समझिए आपको है ना करंट अफेयर को और स्टैटिक को साथ साथ चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम रामसर साइट्स पढ़ रहे हैं ना, आप सुनते होंगे कि इस स्टेट में पर्टिकुलर ये राम मतलब इस पर्टिकुलर एरिया को, इस पर्टिकुलर आर्द्र भूमि को रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो रामसर साइट का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, कब लागू किया गया था है ना, उसका बेसिक काम क्या है। तो ये सारी चीजें जहां तक पॉसिबल होगा हम लोग रिपीट कर लेंगे जो हमने क्लास में पढ़ा था, लेकिन मेन तो हमारी क्लास है ना करंट अफेयर की है, तो बाकी चीजें आप लोग साइड बाय साइड रिवाइज करते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो वही बात आती है ना, धीरे धीरे क्या है, रामसर साइट्स की संख्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है। अभी कितनी हो गई टोटल, देखिए आपकी, जैसे अभी हम चार नई साइट्स के बारे में देख रहे हैं, एक देखिए ना, तो ये अलग अलग स्टेट्स में ऐड की गई है। तो देखिए 46 है, और इसमें अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से ऐड की गई है, तो देखिए चार नाम हम देखने वाले हैं और उनकी अलग अलग खासियत क्या है इनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है, रामसर कन्वेंशन कब साइन किया गया था आपका, 1971 में साइन किया गया था। रामसर कौन से देश में ये सिटी है, तो आपकी ईरान में सिटी है ना। इसके अलावा क्या है कि क्या भारत इसकी एक पार्टी है, तो बिल्कुल भारत इसकी पार्टी है। इसका मेन काम क्या है कि जितने भी हमारे देश में या है ना अलग अलग कंट्रीज में जितने भी वेटलैंड्स है, आर्द्र भूमियां हैं, उनको उनका संरक्षण करना, उनका कंजर्वेशन करना इस पर्टिकुलर अगर है ना रामसर कन्वेंशन का मुख्य कार्य है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि किसको ऐड किया गया आपका, तो देखिए क्या बात आ रही है आपका, भिंडवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब देखिए, ये भिंडवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे पहली बात डायरेक्ट पूछ लेगा कि है ना कहाँ पर है, किसको किसको नया ऐड किया गया है, तो ये आपका कहाँ है, हरियाणा में है। दूसरी चीज, दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये क्या है, एक प्रकार से समझिए ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है ना। कौन सा आपका, देखिए ये जो हरियाणा की भिंडवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसमें क्या याद रखेंगे, हरियाणा में है, दूसरी चीज फ्रेश वाटर वेटलैंड है। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे आपके माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, बहुत सारी थ्रेटनिंग स्पीशीज हैं, उनको भी एक तरीके से ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है। तो अगर उनका नाम देखेंगे, तो देखिए जैसे आपका इजिप्शियन वल्चर हो गया, स्टिप्ट ईगल हो गए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको ये आवास प्रदान करता है। तो कुछ खासियत आप याद रखेंगे, जैसे आपकी हिंडवास क्या है, आपकी ह्यूमन मेड है, वैसे ही कोई और आप, अगर आपकी ह्यूमन मेड होगी या कोई समझिए सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटी होगी है ना, जो भी खासियत होगी आपको उसको याद रखना है। इसके अलावा ऑलरेडी जो रामसर कन्वेंशन के पार्ट है ना, जो जितने वेटलैंड है हमारे, अगर उसमें पूछा जाए कि और कौन सी ऐसी है जो आपकी आर्टिफिशियल है या ह्यूमन मेड है, तो आपकी जो पंजाब की हरिके लेक है वो भी आपकी किसके अंतर्गत आती है, आर्टिफिशियल लेक के अंतर्गत आती है, ठीक। तो दो चीज आप याद रखेंगे, ह्यूमन मेड में आपके भिंडवास फ्रॉम हरियाणा और आपका ये पंजाब का सॉरी मतलब जो हरिके लेक जो है, हरिके झील जो है कहाँ की, आपकी पंजाब की, ये दोनों चीजें आपकी ह्यूमन मेड या फिर कृत्रिम आर्द्र भूमियां हैं, ठीक। तो आप लोग ये याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए, दूसरी चीज क्या आती है आपकी, जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ना, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये भी कहाँ का है आपका, हरियाणा का है। इसको भी आपका इसका रामसर कन्वेंशन का पार्ट बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, ये जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क की भी खास प्रजाति, खास विशेषताएं क्या है, ये भी क्या बोलता है, जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनको एक तरीके से समझिए उनके रुकने का स्थान प्रोवाइड करता है, समझिए है ना। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी आपका किससे रिलेटेड है, माइग्रेटरी बर्ड्स के से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम थोल लेक की बात करें, थोल झील की बात करें, ये आपका कहाँ है, गुजरात में है, ठीक। गुजरात में ये जो आपका थोल जो लेक है वो भी आपका क्या है, जो आपका मध्य सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, मतलब देखिए जैसे क्या है, इंडिया की अवस्थिति अगर हम ग्लोब में देखेंगे तो यहाँ है ना, तो अगर सेंट्रल एशिया से कोई समझे बर्ड्स या है ना जितनी भी आपकी माइग्रेटरी बर्ड्स है वो ट्रेवल करते हुए क्या करती है, दूसरे स्थान पर जाती है, तो वो बीच में आपको कुछ कुछ स्थानों पर रुकती है, तो उसी वो जो पूरा उनका पाथ है उसको हम क्या बोल देते हैं आपका, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ठीक है। तो
थोल लेक जो आपकी थोल झील है गुजरात में, वहां पर भी आपकी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आकर समझे कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रुकती है, फिर वो आगे ट्रेवल करती है। तो इस दृष्टि से आपका थोल लेक है ना, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। और लास्ट में आपका फोर्थ क्या है, आपका वाधवाना वेटलैंड फ्रॉम गुजरात। तो देखिए, दो हरियाणा के हैं, दो गुजरात के हैं। अब ऐसे ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे। इसकी भी खासियत क्या है, ये भी समझिए सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का एक पार्ट है, मतलब एक प्रकार का उनका पाथ है जहां पर वो माइग्रेटरी बर्ड्स आकर रुकती हैं। तो ये तीन चार चीजें आप लोग याद रखेंगे। अगर आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड पूछे तो आपका कौन कौन सा है, पंजाब का हरिके और आपका हरियाणा का भिंडवास। ठीक, इसके अलावा अगर माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करें तो जितने भी अभी रिसेंट में ऐड किए गए हैं वो सारे समझिए एक प्रकार से माइग्रेटरी बर्ड्स के रुकने के लिए, रुकने को उनको हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा देखिए, जैसे है ना, जितने भी समझिए, देखिए आपकी रामसर कन्वेंशन में इस साल बहुत सारी चीजें ऐड हुई है, तो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी बन जाती है आप ये वाला टॉपिक को करेंगे, है ना। तो बेसिक चीजें आप लोग कैसे करेंगे कि अगर जितने भी समझे है ना, पहले जितने भी आपके साइट्स ऑलरेडी जो रामसर कन्वेंशन में ऐड है उसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। जैसे आपको कुछ भी रैंडम पूछेगा ना आपका, चलिए जैसे आपका सांबर लेक आपको पता है राजस्थान में, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका भोज वेटलैंड के बारे में पूछ लिया, भोज कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में है। नल सरोवर कहाँ है आपका, गुजरात में है, ठीक। वैसे चिल्का लेक, भीतरकनिका मैंग्रोव्स, ये सब कहाँ है आपके, ओडिशा में है। कोल्लेरू लेक कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में है। तो ऐसे जितने भी हैं उनको आप याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए, कभी क्या करेगा, कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी लेक का नाम दे देगा जो बहुत फेमस है, लेकिन आपको वो समझिए इसमें पर्टिकुलर रामसर कन्वेंशन में ऐड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि क्या जो आपकी एक पुलिकट लेक क्या रामसर कन्वेंशन का पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए रामसर कन्वेंशन का वो पार्ट नहीं है। जबकि नॉर्मली हम कितना सुनते हैं पुलिकट लेक के बारे में, जो श्रीहरिकोटा है ना उससे रिलेट करके पढ़ते हैं। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जैसे आपकी जो वुलर झील है ना, वुलर लेक जो आपकी जम्मू कश्मीर में है वो पार्ट है, लेकिन आपकी डल लेक इसकी पार्ट नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके सारी चीजों को आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमने देख लिया कि कितने वेटलैंड आपके ऐड किए गए हैं, ठीक। अब वही बात आती है आपकी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है आपका, जिन आर्द्र भूमियों को ज्यादा खतरा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस जिन आर्द्र भूमियों में बढ़ता चला जा रहा है और वहां का जो है ना नेचुरल जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती जा रही है, तो उसको क्या करते हैं, एक अलग से समझिए लिस्ट में शामिल कर देते हैं, जो जिसको क्या कहते हैं हम, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में क्या, अगर अभी रिसेंट में पूछा जाए कि कौन कौन सी आर्द्र भूमियां उसमें शामिल है, तो अभी वर्तमान में केवल आपकी दो आर्द्र भूमियां शामिल हैं। पहली आपकी कौन सी है, केवला देव कहाँ पर है आपका, राजस्थान में है। और दूसरी आपकी लोकटक लेक कहाँ है आपकी, मणिपुर में है, ठीक। तो जितने भी रामसर कन्वेंशन का बेसिक से लेके आपको करंट अफेयर में जितनी चीजें ऐड हुई है सबको आपको कंबाइन करके पढ़ना है, ठीक है, तभी आप लोग वहां पर रेडी रहेंगे किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला हमने देख लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिए। अब देखिए, ये तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, वृक्षारोपण अभियान है ना। तो देखिए, सीधे से जैसे अगर यूपी पीसीएस वगैरह या स्टेट पीसीएस में ना वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपसे पूछ सकता है कि वृक्षारोपण अभियान जो है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये आपके कोल मिनिस्ट्री है ना, जो कोयला मंत्रालय है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। और किसके अंडर में है ये, आपका आजादी का अमृत महोत्सव है ना, जो हम लोग नेक्स्ट ईयर में जो आपका अमृत महोत्सव मनाने वाले हैं उसको लेके बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं अलग अलग फील्ड में, है ना। तो ये जो आजादी का अमृत महोत्सव के एक पार्ट के रूप में ही वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, और ये वृक्षारोपण अभियान का संबंध किस मिनिस्ट्री से है, आपका कोल मिनिस्ट्री से है, ठीक। तो इसका मेन काम क्या है, जो आपको जो हमारा ग्रीन कवर है, जो वनावरण है उसको एनहेंस करना, उसको बढ़ावा देना। और अगर हम ग्रीन कवर को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, हमारी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। तो ये सारी चीजों का संबंध किससे है, आपका इस पर्टिकुलर वृक्षारोपण अभियान से संबंधित है। अब देखिए, जैसे देखिए कुछ 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 करंट अफेयर्स ऐसे होंगे ना जिसको आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा, जैसे रामसर वाला हो गया। अब कुछ ऐसे होंगे जो केवल वन लाइनर टाइप के होंगे, है ना, कौन सी स्पीसीज मिली, या जैसे आगे हम देखते जाएंगे ना, तो आप लोगों को उस तरीके से पिछले साल कैसे क्वेश्चन पूछे गए, अब फ्यूचर में कौन सा टॉपिक की प्रायोरिटी कितनी, कितना वेटेज है उसका, उस हिसाब से आप लोग सब चीज को देखते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, एक और इम्पोर्टेंट है आपका, जैसे जितनी हमने कॉप समिट पढ़ी थी ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी समिट, तो उसमें जो आपका कॉप 26 है वो कहाँ होने वाला है, आपका ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ है आपका, यूनाइटेड किंगडम में है। तो देखिए, कोविड की वजह से ये लगातार पोस्टपोन होता चला गया, और फाइनली अब जाके बोल रहे हैं कि आपका ये अक्टूबर लास्ट में, आई थिंक अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक आपका ये जो ग्लासगो में कॉप 26 की समिट होगी, ठीक। अब देखिए, जब ये समिट हो जाएगी
तब इसमें क्या क्या आउटकम्स आ रहे हैं, कि किस पर्टिकुलर एरिया को लेके बात की जा रही है, कि क्या वो है ना क्लाइमेट चेंज तो चलिए एक एवरग्रीन टॉपिक इनका है ही, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर है ना इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है या कोई भी है ना ट्रीटी हो रही है, तो वो सारी चीजें वहां पर इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। अभी के लिए आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, ये कहाँ हो रहा है आपका COP26 आपका ग्लासगो में होने वाला है। इसके अलावा जो जो कॉप की पिछली समिट्स हुई है ना, चाहे हम क्योटो की बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, या आपका जो पेरिस क्लाइमेट डील है ना जो 2015 में COP21 के अंतर्गत साइन किया गया था, उसकी कौन कौन सी खासियत है, भारत का INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सारी चीजें आप लोग रिवाइज कर लेंगे। जैसे आपका इंडिया का INDC क्या है, हमको 2.5 से 3 बिलियन टन आपको हमको क्या बनाना है, कार्बन सिंक बनाना है, 30-35% हमको क्या कम करना है, ग्रीन हाउस इमिशन कम करना है, ठीक। ऐसे ऐसे जितने भी हमारे टारगेट सेट किए हैं हमने, उसको आप लोगों को देखना है, ठीक है। वैसे ही आपका अगर पेरिस क्लाइमेट डील की पर्टिकुलर हम बात करें, तो जो विकसित देश है, जो डेवलप्ड नेशंस है, वो डेवलपिंग नेशन को कितने का फंड देने वाले हैं, $100 बिलियन का है ना। तो ऐसे जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो आप ब्रशअप करते चलेंगे इसके साथ साथ। तो जो 26 समिट कहाँ होगी आपकी, ग्लासगो में नवंबर में। सर जो चीजें आएंगी उसको हम आगे देखेंगे, है ना। अब देखिए ये चीजें हो गई, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, स्टॉकहोम वाटर वीक। तो देखिए ये क्या है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कभी है ना वन लाइनर के फॉर्म में कभी पूछ लेता है कि किसके द्वारा ये चीजें चलाई जा रही है। तो वाटर वीक मतलब क्या, आपका जितने भी आपके है ना समझिए वाटर कंजर्वेशन से जो चीजें हैं है ना, पानी के मिसयूज को रोकने के लिए जितनी चीजें हैं, ये सारी चीजें के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए आपका स्टॉकहोम वाटर वीक चलाया जा रहा है, ठीक। तो इसके कौन कौन से पार्टी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेफ वाटर नेटवर्क, USAID और WRI, ये इन तीनों का आपका जॉइंट इनिशिएटिव है ये, जिसके अंतर्गत आपका स्टॉकहोम वाटर वीक मनाया जा रहा है, समझिए है ना। तो इसमें क्या है आपका, क्या किया जाएगा, वही सारी चीजें कि किस प्रकार से हम वाटर की इफिशियंसी, वाटर रिसोर्स की इफिशियंसी पे हम कैसे फोकस कर सकते हैं, कैसे आपका सभी आपस में है ना देश मिलके इस वाटर कंजर्वेशन वाली चीज को हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो इससे कैसे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, सीधी सी बात पूछ सकता है, आपका वाटर वीक कहाँ पर मनाया जा रहा है ना, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, या किसके किसके द्वारा, किसके किसके सहयोग से आपका बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सेप्टेम्बर के आसपास ही मनाया मतलब है ना, इसी मंथ में आपका ये चीजें न्यूज में रही थी, इसलिए ये भी शामिल किया गया आपके। तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को है ना एक तरीके से पता होना चाहिए। देखिए फिर अगेन आपका वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में आपका क्या पूछ सकता है, कहाँ का जो नया स्मॉग टावर, स्मॉग हमने पढ़ा था, देखिए अब आप लोगों को वापिस से किसके बारे में पढ़ लेना है, स्मॉग के बारे में पढ़ लेना है। देखिए क्या होता है ना, जैसे अगर आप लोग स्टेट PCS है ना, UPPCS पे आप फोकस कर रहे हैं, वहां पर तो आपके वन लाइनर से काम चल जाएगा। जैसे आप केवल याद रख लीजिए कि दिल्ली में आपका स्मॉग टावर लगाया गया, तो सीधे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, वो क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या स्मॉग टावर कहाँ लगाया गया, या कुछ भी है ना इसके आसपास इर्द गिर्द वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लेकिन UPSC क्या करेगी आपको, देखिए ये स्मॉग टावर न्यूज में रहा, ठीक है, मतलब आपका पूरा स्मॉग टॉपिक न्यूज में आ गया, समझिए। तो आप लोगों को पूरा स्मॉग है ना, स्मॉग जो है कैसे बनता है, कौन कौन सी चीजों का प्रभाव एक स्मॉग को क्रिएट करने में है ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो समझिए जो स्टैटिक में हमने स्मॉग टॉपिक पढ़ा था, या जो भी आप बुक प्रिफर कर रहे हैं, वहां पर जाकर आप लोग क्या पढ़ लीजिए, स्मॉग पढ़ लीजिए। तो आप लोग है ना बताइए कि क्या, जैसे जो आपका ओजोन है वो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। अब ओजोन दो प्रकार के होते हैं आपके है ना, गुड ओजोन बैड ओजोन। तो जो आपके धरातली ओजोन है, या जो क्षोभ मंडल में पर्टिकुलर जो ओजोन होती है उसको हम कहते हैं आपकी बैड ओजोन, और जो आपकी समताप मंडल या जो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन होती है उसको हम कहते हैं गुड ओजोन, क्योंकि वो हमको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। तो जो हमारी धरातली है या जो बैड ओजोन है, उसके प्रभाव से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और जो जो POH जिनको कहा जाता है, इन सब का प्रभाव मिलके क्या बनाते हैं, हम हमारे स्मॉग बनाते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें जो आपकी किससे है ना, क्या चीजें हो गई आपकी, इस पर्टिकुलर स्मॉग टावर से रिलेट करके हो गई। बाकी अगर एक लाइन में कहें तो दिल्ली कहाँ लगाया गया है ये टावर, आपका दिल्ली में लगाया गया है, ठीक। और ये क्या टोटली इंडिजिनस है, मतलब क्या इसको पूरी तरीके से आपकी स्वदेशी तरीके से डेवलप किया गया है, तो नहीं, कुछ कुछ इसमें चीजें हैं, कुछ कुछ फिल्टर है, कुछ कुछ फैंस हैं, जिसको आपको हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आयात किया है ना। तो ये सारी चीजें आपकी किससे रिलेटेड हो गई, दिल्ली स्मॉग टावर से रिलेट हो गई। अब देखिए इसके बाद आती है आपकी रेटिफिकेशन ऑफ किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना। देखिए अभी हम ओजोन की बात कर रहे थे, तो
जितने भी आपके है ना सीएफसीज हैं, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए या जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एचसीएफसीज जितने हो गए, ये क्या करते हैं हमारे ओजोन लेयर को प्रभावित, मतलब समझिए ओजोन डिप्लीशन का कारक बनते हैं ना, ओजोन के क्षरण का कारण बनते हैं। इसीलिए क्या हुआ था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना एग्रीमेंट है ना, उसके बाद आपकी क्या नहीं आ गई है, किगाली एग्रीमेंट, किगाली अमेंडमेंट, ये सारी चीजें हमने स्टैटिक में भी देखी। लेकिन क्योंकि इसका रेटिफिकेशन हुआ है इसलिए इसको अगेन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए क्या बोल रहा है आपका, कैबिनेट अप्रूव रेटिफिकेशन ऑफ किगाली एग्रीमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर फॉर फेस डाउन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, है ना, मतलब आपका एचएफसीज हो गए। ठीक, तो देखिए इसकी बैक स्टोरी क्या है, सबसे पहले क्या आया आपका वियना एग्रीमेंट आया, वियना कन्वेंशन आया। वियना कन्वेंशन में हम क्या बात किए कि हाँ हमको ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम अपने ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि ओजोन लेयर अगर डिप्लीट होने लगेगी तो आगे जाके क्या होगा, जितने आपके यूवी रेस हैं जो कैंसर को उत्पन्न करते हैं वो समझ आएंगे, जितने जीन में उत्परिवर्तन का कारण बनते हैं, म्यूटेशन का कारण बनते हैं, मतलब यूवी है ना, ओजोन तो हमारे लिए समझिए एक प्रकार से प्रोटेक्टिंग लेयर के समान है। तो इन सभी चीजों को बेस बनाते हुए आपका क्या हुआ था, वियना में एक सम्मेलन हुआ था, है ना। वियना के सम्मेलन को समझिए एक विधिक स्वरूप देने के लिए क्या आया आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या बात की गई थी, जितने हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है ना, मतलब जितने आपके सीएफसीज हो गए या जो आपके एचसीएफसीज हो गए, इनको क्या करेंगे धीरे धीरे अलग अलग फेजेस में हम कट डाउन करते चलेंगे। तो इंडिया क्या बना आपका, सीएफसीज को आपको कट डाउन करने में, उनका उपयोग कम करने में, रोकने में भारत एक बहुत बड़ी भूमिका आपने अदा किया। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध इन दोनों से था, है ना, आपका सीएफसी और आपका एचसीएफसी। फिर आगे जाके क्या होता है आपका कि इन दोनों को तो हमने रोक दिया, इन दोनों का प्रोडक्शन हमने बंद कर दिया, लेकिन इनके रिप्लेसमेंट के रूप में हम क्या लेके आए थे आपका, एचएफसीज लेके आए थे, है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स लेके आए थे। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एचएफसी की खासियत क्या है कि ये आपका ओजोन तो डिप्लीट नहीं करता, ओजोन क्षरण तो नहीं करता, बट ये एक क्या है, बहुत जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैसेस होती है ना, जो हमने आपका पोटेंशियल पढ़ा था, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पढ़ा था, उसमें समझिए एचएफसी से एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो बात क्या आई कि हमको कुछ ऐसे अमेंडमेंट करने चाहिए, क्योंकि हमने इन दोनों को तो बंद कर दिया, सीएफसी और एचसीएफसी को तो हमने बंद कर दिया, बट क्योंकि हम एचएफसी को बढ़ावा दे रहे हैं तो जिसकी वजह से ओजोन तो डिप्लीट नहीं हो रही, बट क्या हो रहा है आपका, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, वैश्विक तापन की प्रक्रिया में वृद्धि हो गई है। तो इसलिए अब किगाली संशोधन या किगाली अमेंडमेंट आया, वो क्या कह रहा है कि हमको धीरे धीरे आपका एचएफसी को भी कट करना है ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग से भी डील कर सकें। तो ये पूरी बैक स्टोरी हो गई। अभी रिसेंट में भी यही चल रहा है कि अलग अलग देश समझे इसको रेटिफाई कर रहे हैं, एक यूनिवर्सल सपोर्ट की इसको जरूरत है, इस पर्टिकुलर समझे अमेंडमेंट को। ठीक, तो ये पूरी बैक स्टोरी आप लोग याद रखेंगे, रिसेंट में क्या हो रहा है आप लोग भी याद रखेंगे। इसके अलावा सीएफसी एचसीएफसी का यूज कहाँ होता है, जितने आपके कूलेंट्स हैं, जितने आपके एरोसोल स्प्रेस हैं, है ना, इन सब में आपका सीएफसी और एचसीएफसी का यूज होता है। ठीक, यहाँ पर आप लोग इसमें डिटेल में देख लीजिए एक बार, देखिए मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। देखिए है ना, इसमें क्या बोल रहा है आपका, अंडर द देखिए बट हाँ एक चीज और आप लोग याद रखेंगे, देखिए जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किससे संबंध है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करने के लिए, जबकि इसमें जो किगाली अमेंडमेंट लाया जा रहा है वो किस किस से संबंधित हो जा रहा है आपका। पहला तो आपका है ना ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करने की तो बात कर ही रहा है, इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। तो ये समझिए एक तरीके से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि एचएफसी जो है वो भी हमारे ग्लोबल वार्मिंग को कॉज ना करें, है ना। तो ये आप लोग जैसे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये आप लोग डिटेल में देख लेंगे। तो भारत का जो टारगेट दिया गया है 2032 तक का, लेकिन वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये जो है ना बेसिक सारी चीजें हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक, तो देखिए क्या बोल रहा है, अंडर द किगाली अमेंडमेंट पार्टीज ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विल फेस डाउन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जो आपका एचएफसी है। ठीक, देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए इस वाली साइड में क्या बोल रहा है आपका, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वेर इंट्रोड्यूस्ड एज नॉन ओजोन डिप्लीटिंग अल्टरनेटिव टू HCFCs, why HFC do not deplete stratospheric ozone layer
दे हैव हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है. तो वही कह रहा है कि ये जो आपका HFC है वो क्या करता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, भले वो ओजोन डिप्लीटिंग ओजोन को डिप्लीट नहीं करता. तो ये सारी चीजें आपकी किससे रिलेटेड हो गई, कि गाली अमेंडमेंट से रिलेटेड हो गई. अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका पायलट प्रोजेक्ट. तो ये आपका जो है ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ओजोन वाला जितनी भी चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बेसिक्स में जाके इस चीज को पूरे अच्छे से देख लेंगे, ठीक. अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा पायलट प्रोजेक्ट ऑन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग, ठीक है. तो देखिए हाइड्रोजन ब्लेंडिंग इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपका सबसे पहले कौन कर रहा है इसको, देखिए आपका NTPC लिमिटेड मिल रहा है, NTPC कर रहा है आपका. NTPC किसके अंतर्गत आती है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है, समझिए, है ना. तो समझिए एक प्रकार का प्रोजेक्ट, एक प्रकार का पायलट प्रोजेक्ट सेट कर रहा है, जिसमें हम क्या करेंगे नेचुरल गैस में हम क्या मिक्स करेंगे, आपके हाइड्रोजन मिक्स करेंगे, है ना. यहाँ पे देखिए तो सीधे से क्वेश्चन आ सकता है किसका पायलट प्रोजेक्ट है, NTPC का, ठीक. NTPC का संबंध अगर हम मिनिस्ट्री से देखें तो ऑब्वियस सी बात है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर से संबंधित होगा, क्योंकि पावर जनरेशन इसका मुख्य उद्देश्य है. इसके बाद बात आती है कि किसकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं, हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग कर रहे हैं. ब्लेंडिंग मतलब समझिए है ना, मिक्स करके एक फ्यूल बनाना. क्यों मिक्स, देखिए हाइड्रोजन एक प्रकार से ग्रीन फ्यूल का काम करता है. ग्रीन फ्यूल मतलब अगर जैसे है ना नॉर्मली जो नेचुरल गैसेस होते हैं, जो आपके पेट्रोलियम होते हैं, जितने आपके फॉसिल फ्यूल होते हैं, ये बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ये जितने ग्रीन हाउस गैसेस हम एमिट करते हैं, तो धीरे धीरे उसको हम रिप्लेस करके किस ओर जाना चाहते हैं, ग्रीन फ्यूल, है ना, या क्लीन फ्यूल की ओर. तो ये जो हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग की जो बात चल रही है आपकी नेचुरल गैस में, वो इसके है ना मतलब किस लिए की जा रही है, ताकि हम जो जितने ज्यादा मात्रा में इमिशन होता है उसको धीरे धीरे हम कट कर सके, है ना. इसके अलावा देखिए क्या है, ये लेह में एक समझिए एक है ना स्टेशन, हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन की स्थापना करने की बात कर रहा है. तो ये किससे संबंधित हो गया आपका, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन ब्लेंडिंग से संबंधित हो गया. अब देखिए अगेन एक चीज आती है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका ग्रीन सोहरा अफॉरेस्टेशन कैंपेन, है ना. यहाँ पर आप लोग देखिए, ठीक. तो देखिए ये सीधी सी बात, ये भी किससे संबंधित होगा आपका, वृक्षारोपण से, पेड़ लगाने से संबंधित होगा. लेकिन देखिए सबसे पहली बात कौन लॉन्च किया है, जो हमारे होम मिनिस्टर है, जो गृह मंत्री अमित शाह, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है ग्रीन सोहरा अफॉरेस्टेशन कैंपेन. अब दूसरी बात कहाँ पर किया जा रहा है, ठीक. जैसे आपका स्टेट PCS में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ना आपके वन लाइनर वाले, तो देखिए जो आपका सोहरा ये कहाँ है आपका, चेरापूंजी में है. चेरापूंजी कहाँ है आपका, मेघालय में है. मेघालय में क्या होता है, सबसे ज्यादा आपकी बारिश होती है ना. तो ग्रीन सोहरा अफॉरेस्टेशन कैंपेन कहाँ से संबंधित है आपका, चेरापूंजी या फिर मेघालय से संबंधित है, ठीक. तो इसमें क्या होगा आपका, ये किसके द्वारा रन किया जा रहा है आपका, मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा ही रन किया जा रहा है. लेकिन इसमें कौन हेल्प कर रहा है आपके, जो असम राइफल्स है उनके द्वारा इसमें हेल्प की जा रही है. अब इसका मेन पर्पस क्या है, हमारे पर्यावरण को संरक्षित करना, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रयास करना. तो है ना जितनी भी समझे खास चीजें रहेंगी उन सबका पार्ट है ये ग्रीन सोहरा अफॉरेस्टेशन कैंपेन, ठीक. तो आप लोग क्या याद रखेंगे, ये ग्रीन सोहरा कहाँ मतलब कौन से स्टेट से संबंधित है आपका, मेघालय से. मेघालय या पर्टिकुलरली आपका जो चेरापूंजी वाला स्थान है ना, तो वहां से संबंधित है आपका अफॉरेस्टेशन कैंपेन. अब ये देखिए जैसे आपका जो एक जैसे जो आपकी मेघालय में गारो खासी जयंतिया जो है ना पहाड़ियां पाई जाती है, गारो खासी जयंतिया, तो ये जो आपका पर्टिकुलर जो चेरापूंजी है वो कहाँ है आपका, इस पर्टिकुलर बीच वाला जो सेक्शन है ना, ये एक की एक समझे एक ऐसे समझे कर्व का शेप ले लेता है, तभी जाके क्या होती है जितनी भी हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून के थ्रू जो वर्षा होती है वो इस पर्टिकुलर एरिया में जाके समझे है ना मतलब वहां पे पैक हो जाती है और वहां पे बहुत ज्यादा आपकी बारिश होती है. तो अगर पूछा जाए कि चेरापूंजी आपका कौन से पहाड़ियों से संबंधित है आपका, तो आपका कहाँ से संबंधित है, खासी पहाड़ियों से, ठीक है, गारो खासी जयंतिया, तो जो बीच वाला पार्ट है वहां से संबंधित है, ठीक. तो ग्रीन सोहरा अफॉरेस्टेशन कैंपेन इज रिलेटेड टू मेघालय या फिर चेरापूंजी. तो ये चीजें एक आप लोग याद रखेंगे. अब देखिए फिर जैसे क्या होता है आपका, कुछ नेशनल पार्क पूछ लेता है डायरेक्ट, है ना, या कोई टाइगर रिजर्व पूछ लिया, तो वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जा रहा है, एक एलिफेंट रिजर्व प्रपोज किया गया है, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में. छत्तीसगढ़ में पर्टिकुलर अगर बात करें तो कहाँ पर आपका लेमरूट एलिफेंट रिजर्व है ना. तो सीधे से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है लेमरू एलिफेंट रिजर्व की स्थापना कहाँ की जा रही है, आपकी छत्तीसगढ़ में स्थापना की जा रही है.
ठीक है, क्योंकि देखिए जो छत्तीसगढ़ में क्या होता है आपका जो ओडिशा और झारखंड से बहुत ज्यादा मात्रा में समझे मूवमेंट होता है हाथियों का, तो इसलिए समझे जो लेमरू जो क्षेत्र है वहां पर आपके एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की बात की जा रही है। ठीक है, ये चीजें हो गई, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्थान का नाम लेमरू का नाम याद रखेंगे, यहाँ पर आपकी टाइगर रिजर्व की सॉरी एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की बात चल रही है। अभी बनाया नहीं गया है लेकिन प्रपोज किया जा रहा है। अब देखिए देखिए इसके बाद जैसे जो हमने ब्लैक कार्बन पढ़ा था, है ना, ब्लैक कार्बन क्या है आपका, एक कालिक होती है जो कैसे बनती है, जब किसी भी ईंधन का जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, तभी क्या बनता है आपका ब्लैक कार्बन बनता है। तो ब्लैक कार्बन के हमने बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट देखे थे, क्या क्या, जैसे आपकी पत्तियों में जाके वो जम जाता है ना, और जो समझे जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, या जो स्टोमेटा के थ्रू रंध्रों के थ्रू जो है ना, मतलब समझे गैसेस का जो एक्सचेंज होता है उसको प्रभावित करते हैं। इसके अलावा वो क्या करता है, ग्लेशियर्स में हिम के ऊपर जाके आपका जम जाता है, जिसकी वजह से उनकी रिफ्लेक्टिंग पावर जो एल्बिडो वाली जो क्षमता है, रिफ्लेक्ट करने की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है आपका ग्लेशियर्स जो है मेल्ट होने लगते हैं। ये सब क्या चीज है आपकी, ब्लैक कार्बन है। तो अभी एक नई स्टडी आई है कि जो हमारे जो प्री मैच्योर मोर्टैलिटी है ना, मतलब जो हमारे हेल्थ पे जितना इम्पैक्ट है ब्लैक कार्बन का, वो किस प्रकार पड़ता है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपको पता ही है कि है ना, बहुत ज्यादा हानिकारक इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जा रही है आपकी, ब्लैक कार्बन। तो ब्लैक कार्बन के बारे में आप लोग सारी डिटेल देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ग्लेशियर्स को मेल्ट करने और बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जब किसी चीज का कंप्लीट कम्बशन नहीं होता तो वो क्या बनाता है आपका, ब्लैक कार्बन बनाता है। अब इसके अलावा जो इसकी लाइफ होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती ब्लैक कार्बन की लाइफ, ब्लैक कार्बन की लाइफ कुछ हफ्ते से लेके कुछ दिनों तक ही होती है, तो मतलब शॉर्टली लिव्ड पार्टिकल्स के रूप में आपका ये क्या होता है, ब्लैक कार्बन होता है। वहीं फिर आप लोग ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, ग्रीन कार्बन, है ना, जितने भी अलग अलग कार्बन के फॉर्म है उसके बारे में आप लोग देख लेंगे कि कैसे कैसे ये चीजें चलती जा रही है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखिए, हाँ देखिए, नेक्स्ट आपका है ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन समिट, है ना। तो देखिए इंडिया ने क्योंकि होस्ट किया है, वैसे भी है ना कोई भी आपकी समिट होती है, ब्रिक्स तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन हमारा है ही, है ना। देखिए हाँ देखिए, तो क्या है इसमें, इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया है। अगेन जैसे हमने हाइड्रोजन ब्लेंडिंग की बात की थी, है ना, नेचुरल गैस में हम क्या मिक्स कर रहे हैं, हाइड्रोजन मिक्स कर रहे हैं ताकि हम एक क्लीन फ्यूल की साइड में चले जाते जाएं। तो वही समझिए हाइड्रोजन को लेके एक समिट हुई है ब्रिक्स नेशंस की, क्योंकि अभी तो सारी चीजें आपकी है ना ऑनलाइन चल रही है, वर्चुअल फॉर्म में चल रही है, इसलिए आपको वेन्यू याद रखने की जरूरत इसमें नहीं हो जाती है ना। अब देखिए इसको ग्रीन, आपका ग्रीन हाइड्रोजन की भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी कार्बन फुटप्रिंट, मतलब समझिए ना जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिट करने की जो बात होती है, या जो है ना आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने की जो बात होती है, उन सारी चीजों से बचत हम कब कर सकते हैं, अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल को धीरे धीरे उपयोगी बना लें। तो इसी मतलब समझिए इन्हीं सब चीजों को बेस बनाते हुए आपकी हाइड्रोजन समिट हुई थी, कौन से नेशंस के अंतर्गत, समझिए जितने हमारे ब्रिक्स नेशंस हैं। ठीक, तो ये चीजें करेंट में रही। अब देखिए इसके अलावा देखिए जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है ना, अच्छा हाँ दो चीजें आप लोग और याद रखेंगे, जैसे अभी तक तो जो हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होती है ना, फॉरेस्ट सर्वे, फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत बताया जाता है कि आपका कितना वनावरण है, कितने आपके फॉरेस्ट कवर हैं, कितने आपके मैंग्रोव्स हैं, है ना, इन सब की जो रिपोर्ट आती है हर दो साल में, वो अभी नहीं आई है। अभी मेरे ख्याल से अभी तो आने वाली भी नहीं है, हो सकता है यूपीपीसी से पहले चांसेस हैं कि आ जाए, तो अगर वो आ जाता है तो आपके करंट अफेयर की दृष्टि से वो, मतलब समझिए एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स है उसमें से आना ही है, तो वो आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, जो है ना जो आपकी वन रिपोर्ट जो आती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है वो। अब वैसे ये क्या है, जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय जो है उसने एक एटलस बनाया है, वो एटलस क्या शो करता है आपका, डेजर्टिफिकेशन, जितना मरुस्थलीकरण है या जो लैंड डिग्रेडेशन है ना, जो भूमि का अवनयन है, उसके बारे में क्या बात, उसके बारे में समझिए एक एटलस का निर्माण किया गया है, वो किसके द्वारा आपका किया गया है, आपका मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट के अंतर्गत। अभी एटलस क्या बताएगा कि जैसे जो हमारा है ना राजस्थान में जो ये वाला थार वाला जो क्षेत्र है, देखिए जो थार वाला क्षेत्र है वो तो समझिए है ना एक प्रकार से आपका मरुस्थल है, डेजर्ट है,
लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, कुछ नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है, मरुस्थलों का मरुस्थलों को समझे बढ़ावा मिलता है, उनके क्षेत्रफल में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। तो जैसे जैसे लैंड है ना, लैंड डिग्रेडेशन होगा, भूमि का अवनयन होगा, क्या संभावना धीरे धीरे बनती चली जाती है कि जो पहले फर्टाइल लैंड था, जो पहले उर्वर भूमि थी, वो भी आगे चल के आपके मरुस्थल के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो इन्हीं सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मतलब समझे एक प्रकार से है ना, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम एटलस के फॉर्म में बताएंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में लैंड डिग्रेडेशन आपका ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो कल को जाके कुछ सालों के बाद ये जो भूमि है वो भी आपके मरुस्थल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें के लिए एटलस का निर्माण किया गया है, और इसी कारण समझ लीजिए न्यूज में बना रहा। ठीक, तो ये है, ठीक, तो इतनी चीजें हुई। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, देखिए डीप ओशन मिशन है ना, डीप ओशन मिशन, सबसे पहले तो बात आती है कौन सी मिनिस्ट्री चलाएगी, है ना, नाम से आप समझ रहे हैं, डीप ओशन मिशन मतलब जो गहरे समुद्री क्षेत्र है वहां पर वहां के रिसोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना, है ना। तो डीप ओशन मिशन का संबंध किस मिनिस्ट्री से है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से संबंधित है। तो कभी कभी क्या होता है, आपका डायरेक्ट मिनिस्ट्री पूछ लेता है ना, किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये पर्टिकुलर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा आपका डीप ओशन मिशन चलाया जा रहा है। ठीक, इसके मतलब इसका मेन उद्देश्य क्या है, फोकस एरिया क्या है, जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है, जो नीली अर्थव्यवस्था है, नीली अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा आपका, जितने भी ओशन में जितने भी रिसोर्सेस हैं, वहां से हम अपनी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार बढ़ावा दे सकते हैं, चाहे आपके मत्स्य उद्योग हो गए, चाहे आपके एल्गीज हो गए, या वहां मतलब हमारे समुद्र में पाए जाने वाले जितने भी रिसोर्सेस हैं, उन सबका संबंध किससे हो जाता है, आपका ब्लू इकोनॉमी से संबंधित हो जाता है। ठीक, तो नोडल मिनिस्ट्री हमने देख ली, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और इसके अलावा देखिए, जो अगर आपने ज्योग्राफी में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, है ना, जो गहरे समुद्री क्षेत्र में कुछ ऐसे समझे ऐसे मेटल्स, ऐसी चीजें पाई जाती है जो हमारे एनर्जी एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, या कुछ है ना समझे हमारे स्ट्रेटेजिक दृष्टि से रणनीतिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये सारी चीजों का संबंध आपको किससे हो जाता है, डीप ओशन मिशन से हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ स्लाइड्स आप लोगों के लिए लगाए हैं। देखिए, जैसे आप लोग वो तो कर ही रहे होंगे, है ना, जितने आपके नेशनल पार्क्स वगैरह हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हैं, तो देखिए इस तरीके से आप लोग अलग अलग स्टेट का ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, जैसे कुछ कुछ हम लोग जैसे अभी जितने भी 3-4 क्लासेस जितने भी हमारी करंट अफेयर चलेंगी, तो हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े जैसे तीन चार स्टेट करके जो मेन स्टेट से पूछते हैं क्वेश्चंस, है ना, वो सब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने असम का लगाया हुआ है, क्योंकि असम का जो नेशनल पार्क है, अभी रिसेंट न्यूज में भी रहा है ना, जो आपका दिहांग पटकाई को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, रायमोना को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। तो पहले कितने थे आपके असम में, 5 नेशनल पार्क थे, लेकिन अब उनकी संख्या कितनी हो गई, आपकी 7 हो गई है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब ओवरऑल असम में कितने नेशनल पार्क हैं, उनका अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं या पश्चिम से पूर्व की ओर जाएं, तो एक प्रकार से जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा आप लोगों के माइंड में मैप के थ्रू बैठा रहता है ना। तो देखिए सबसे पहला आपका क्या हो गया, रायमोना को अभी अभी डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा मानस, औरंग, नामेरी, काजीरंगा, दिहंग पटकाई और डिब्रू सखोवा, तो ये आपके 7 नेशनल पार्क कहाँ हैं, आपके असम में है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपका काजीरंगा, आपको पता है ना काजीरंगा में क्या है, आपके राइनोसोरस होते हैं। औरंग कहाँ है आपका, औरंग की खासियत क्या है, डिब्रू सिखोवा की खासियत क्या है। तो क्योंकि असम के नेशनल पार्क बहुत ज्यादा न्यूज में रहे, तो आप लोग क्या करेंगे, सीधे है ना गूगल में डालिए आप लोग मानस नेशनल पार्क। ठीक है, मानस में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी वो शुरू में ही हाईलाइट हो जाएंगी, शुरू में ही आपको दिख जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोग जितने भी नेशनल पार्क्स वगैरह हैं उन सबको आप लोग कवर करते चले जाएंगे। तो ठीक, सबसे पहले तो बात यही आती है कि असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, 7 हैं, रायमोना, मानस, औरंग, नामेरी, काजीरंगा, दिहांग पटकाई और आपका डिग्रू सिखोवा। तो इस तरीके से आप लोग सारी चीजें याद करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। तो ये चीज मैंने मतलब इस तरीके से आप लोग अपना है ना नोट्स रखेंगे तो आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आपका ऑपरेशन ओलिविया, है ना। ऑपरेशन ओलिविया क्या है आपका, देखिए सबसे पहले बात आती है कि किस चीज से संबंधित है। तो जो आपका ओलिव रिडले टर्टल्स जो होते हैं, यहाँ पर देखिए, तो समझिए एक प्रकार से टर्टल्स की है ना, कछुओं की एक प्रकार से प्रजाति है, जिनका नाम क्या है आपका ओलिव रिडले।
ऑलिव रिडले टर्टल्स को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए, उनका संरक्षण संरक्षण करने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया जा रहा है। अब ऑलिव रिडले टर्टल आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलिव रिडले टर्टल को अगर हम IUCN में देखें कि IUCN में उनका स्थान क्या है आपका, तो वो वल्नरेबल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलिव रिडले टर्टल इज लिस्टेड एज वल्नरेबल अंडर द IUCN रेड लिस्ट। तो सबसे पहले आप लोग क्या याद रखेंगे, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। इसके अलावा जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वो उसके अंतर्गत कौन से शेड्यूल में आता है आपका, शेड्यूल वन में। मतलब पूरी तरीके से इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है, किसी भी प्रकार की हंटिंग पोचिंग कुछ भी इसकी नहीं हो सकती है ना। और अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसको बहुत ज्यादा पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी किससे संबंधित है, ऑपरेशन ओलिविया से संबंधित है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अगर शेड्यूल वन में कोई किसी है ना जीव जंतु को रखा जाता है, तो उसको समझिए हाईली सिक्योर माना जाता है कि उसका किसी भी प्रकार से आप मतलब शोषण या उनका समझिए शिकार वगैरह बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें किससे संबंधित है आपकी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के शेड्यूल वन के अंतर्गत। इसके अलावा ऑलिव रिडले टर्टल किसमें है, क्या शेड्यूल वन में आता है, बिल्कुल शेड्यूल वन में आता है, IUCN के वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें कि जो आपका ऑलिव रिडले टर्टल्स कौन से स्टेट में पाया जाता है, कौन से स्टेट में इनकी नेस्टिंग होती है, तो आपका जो ओडिशा का जो भितरकनिका और ये सारा जो क्षेत्र है वहां पर आपकी इनकी समझिए है ना नेस्टिंग होती है, मतलब ये प्रजनन करते हैं। तो ये आपका किससे संबंधित हो गया, ऑपरेशन ओलिविया से संबंधित हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आप लोग देखिए आसाम का 7th नेशनल पार्क है ना। अभी हमने देख लिया आसाम में टोटल कितने हो गए हैं, 7th हो गए हैं। 7th में किसको आपको डिक्लेयर किया गया है आपका, जो दिहंग पटकाई जो नेशनल पार्क है उसको एक प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। अब बैकग्राउंड में क्या स्टोरी आ जाती है कि नेशनल पार्क का दर्जा कौन दे सकता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट देता है या फिर राज्य सरकार दे देती है। तो आपका राज्य सरकारों के मतलब समझे जो विधानसभाएं होती है उनके पास ही अधिकार होता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को आपका नेशनल पार्क घोषित करने का। ठीक, तो जो आपका 7th नेशनल पार्क आपका आसाम का क्या बन गया है, दिहंग पटकाई। और इससे पहले 6th नंबर पे कौन था आपका, रायमोना था। तो अब टोटल कितने हो गए हमारे, 7 हो गए। अभी हमने मैप में देखा आपका काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू सिखोवा, काजीरंगा और आपका अच्छा आई थिंक ये डबल लिख दिया इन्होंने। ठीक, तो ये सारी चीजें आपकी नामेरी और ओरांग है ना, ऐसे ऐसे करके आपके कितने हो गए टोटल, 7 वहां पे नेशनल पार्क हो गए। तो पूरा सीक्वेंस कहाँ की क्या खासियत है ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, तो ये वाला हो गया मैप के थ्रू हमने देख लिया। अब देखिए इसके बाद आती है आपकी बारी सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में है ना। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई समझिए कोई प्लास्टिक ऐसा है ना जिसकी मोटाई ऐसी है कि उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, उसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं, तब तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि है ना वो समझे वातावरण से वो एटमॉस्फेयर से वो हमारे लैंड से हटाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आपके प्लास्टिक्स होंगे जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। तो अगर समझिए वो एक बार निर्मित हो गए तो निर्मित हो गए, इसीलिए क्या है आपका सिंगल यूज प्लास्टिक के यूज को कम करने की बात हमेशा चलती रहती है। तो एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसके थ्रू हम सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी किसके द्वारा चलाया जा रहा है, आपका यूनेप है ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, और इसके अलावा आपका फिक्की, और जो हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है वो भी इसका एक पार्ट है। तो ये तीनों का एक ज्वाइंट समझे इनिशिएटिव है जिसके द्वारा हम सिंगल यूज प्लास्टिक के यूज को कम करने की बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए इंडिया ने बहुत सारी चीजें चलाई है ताकि हम सिंगल यूज प्लास्टिक्स को कम यूज करें। जैसे जो आपके 50 माइक्रोन्स वाले जो प्लास्टिक्स होते हैं ना, जितने आपके कैरी बैग्स हैं जिनकी मोटाई आपकी 50 माइक्रोन से कम होती है उसको हम यूज नहीं कर सकते, उनका यूज करना एक प्रकार से बैन किया गया है। ये बैन किसके अंतर्गत किया गया आपका, जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है इसके अंतर्गत ये चीजें लागू की गई है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे आपका जो हैकाथॉन 21 था उसके अंतर्गत भी आपके सिंगल यूज प्लास्टिक के मतलब है ना उपयोग को कम करने की बात की जा रही है। इंडिया प्लास्टिक चैलेंज जो आपका है ना, यहाँ पर देखिए इंडिया प्लास्टिक चैलेंज हैकाथॉन 2021 है ना, तो ये सारी चीजें आपकी किससे संबंधित हो जाती है, हमको धीरे धीरे सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करना है। ठीक,
ये एक चीज हो गई। इसमें आपको क्या पूछ सकता है, पार्टीज पूछ सकता है कि क्या इसका यूनेप एक पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है। यूनेप के अलावा कौन सी संस्था है, तो आपका जो हमारी फिक्की जो होती है ना, फिक्की जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी इसका एक पार्ट है। और चूंकि पर्यावरण की बात है तो पर्यावरण मंत्रालय तो उसमें समझिए है ना पार्टी रहेगा ही, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा बिलो 50 माइक्रोन जितने आपके प्लास्टिक है ना, जितने आपके कैरी बैग्स हैं, उनको बैन किया गया है। किसके थ्रू बैन किया गया है, कौन से रूल्स के थ्रू बैन किया गया है, तो आपका जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है उसके अंतर्गत आपका ये बैन किया गया है। ठीक, तो ये चीजें हो गई। अब देखिए इसके अलावा एक चीज और आती है आपकी, देखिए यहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है ना, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मतलब जो आपके है ना सॉल्ट मतलब समझिए जो नमकीन पानी में जो लवणीय जो जल होता है वहां पर आपके जो क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं वो मेनली आपके कहाँ पाए जाते हैं, जो आपके भीतरकनी का नेशनल पार्क है। जो आपका भीतरकनी का नेशनल पार्क कहाँ है, आपका ओडिशा में है। तो देखिए अब ये पर्टिकुलर स्पीसीज है ना जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, ये इंपॉर्टेंट हो गई। तो इनका हम देख लेते हैं कि अलग अलग समझे कानूनों में अलग अलग लिस्ट में इसकी इसका स्थान कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो यही बात आती आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल वन के अंतर्गत आता है। शेड्यूल वन में अभी हमने और क्या देखा था, जिनको बहुत ज्यादा आपका प्रोटेक्शन मिला होता है, जो आपका ऑलिव रिडले टर्टल है वो भी आपके शेड्यूल वन के अंतर्गत आते हैं। इनकी किसी भी प्रकार से पोचिंग हंटिंग नहीं हो सकती है ना, तो ये चीजें हो गई। तो इस दृष्टि से, और दूसरी बात जितने आपके जो भीतरकनी का नेशनल पार्क है, जितने आपके जलीय जंतु होते हैं, जैसे हमने है ना देख लिया मतलब समझिए अगर ओडिशा जहां पर भी आए, ओडिशा में आपकी कछुओं की भी बहुत प्रजातियां पाई जाती है, क्रोकोडाइल्स की भी बहुत प्रजातियां पाई जाती है। तो इस तरीके से आप लोग जैसे ग्रुप में याद रखेंगे है ना, इस पर्टिकुलर एरिया में इस पर्टिकुलर जीव जंतु की बहुलता है, ऐसे करके अगर आप लोग याद रखेंगे तो ये ज्यादा चीजें चलेंगी अच्छे से। ठीक, तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक तरीके से है ना वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे। तो जो इंडियन रेलवे है उसको क्या मना क्या अभी दर्जा क्या दे दिया गया है कि ये ग्रीन रेलवे मतलब वो जीरो कार्बन इमिशन पे आ गया है। जीरो कार्बन इमिशन कैसे, कि हम जितने ज्यादा है ना समझिए हम ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट नहीं करेंगे, पोल्यूट नहीं करेंगे चीजों को। तो अगर पर्यावरण के प्रोटेक्शन से संरक्षण से संबंधित चीजें होंगी तो हम किसी भी समझे क्षेत्र को किसका दर्जा दे देते हैं, ग्रीन एरिया का, ग्रीन इंडस्ट्री का है ना। उसी प्रकार से आपका इंडियन रेलवे भी इस दर्जे में आ गया है। तो देखिए बहुत खास नहीं है, लेकिन अगर जैसे यूपीपीसीएस वगैरह में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि है ना, तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, इंडियन रेलवे को आपका लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे का दर्जा दिया गया है। क्यों, क्योंकि कार्बन इमिशन इसका जीरो हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है काजीरंगा के बारे में। ठीक है, तो देखिए वही बात की, देखिए जो ऊपर ऊपर में न्यूज चलती है वो तो है ही है ना। जैसे इसमें क्या हो रहा है, आपका जो आसाम गवर्नमेंट है, जो उन्होंने क्या किया है, जितने आपके जो गार्ड्स हैं ना वहां के, जो जितने आपके सुरक्षा कर्मी जो है उनको ज्यादा पावर्स दी गई है उस पर्टिकुलर एरिया को, उस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कमांडो ट्रेनिंग की बात चल रही है। तो ये समझिए हाईलाइटेड न्यूज है। ठीक है, आप लोग इसमें पढ़ते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में आपका क्या आ जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब काजीरंगा नेशनल पार्क की हम लोग खासियत देख लेते हैं। तो जो इंडियन राइनोसोरस की जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा जनसंख्या की कहाँ पाई जाती है, काजीरंगा पार्क में। इसके अलावा काजीरंगा कहाँ है आपका, हमने देखा आपका आसाम में है ना, तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो इंडियन राइनोसोरस है उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती है, कौन कौन सी आपकी प्रजातियां पाई जाती है, तो आपका ये जो हुलॉक गिब्बन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पाया जाता है, टाइगर पाया जाता है, लेपर्ड पाया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा काजीरंगा तो है ही है ना, काजीरंगा तो नेशनल मतलब है ना राष्ट्रीय उद्यान तो है ही। इसके अलावा ये एक प्रकार से क्या जिसका दर्जा दिया गया आपका टाइगर रिजर्व का भी, इसको 2006 में दर्जा दिया गया है। तो कभी जैसे लिस्ट में है ना तीन चार नाम दे देता है कि कौन सी इसमें टाइगर रिजर्व है, कौन से टाइगर रिजर्व नहीं है, कौन से ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जिनको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, तो ये सारी चीजें आपसे कैसे भी एमसीक्यूज में बन सकता है। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर नेशनल पार्क न्यूज में होता है तो उसकी सारी खासियत हमको पता होना चाहिए है ना। तो वैसे भी नॉर्मली भी आपके काजीरंगा किसके लिए फेमस है, आपका राइनोसोरस के लिए फेमस होता है। तो आप लोगों का करंट अफेयर में ये चीजें हैं, तो आप लोग क्या करेंगे फिर से वापस से काजीरंगा नेशनल पार्क की वेबसाइट में एक बार जाके उसको देख लेंगे, क्योंकि देखिए
आप कितना भी याद करने की कोशिश करेंगे, रटने की कोशिश करेंगे ना, लेकिन अगर आप लोग एक बार उस पर्टिकुलर साइट में जाके देख लेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स होती है। कई बार क्या होता है हमारा मतलब एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, इतनी चीजें होती है कि हमको याद किया हुआ कुछ याद नहीं आता, लेकिन हो सकता है कहीं आप गए हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल कल को आप काजीरंगा घूमने जाए, कल को आप नल सरोवर में जाए घूमने, कहीं भी मतलब, तो वहां पर जो आप चीजें देखेंगे, वहां की जो वनस्पतियां देखेंगे कि वहां पे क्या शंकुधारी वन थे, पतझड़ टाइप के वन थे, कैसे वन थे, तो वो सारी मतलब जो चीजें हम देखे होते हैं ना, वो सारी चीजें हमको ज्यादा याद आती है। तो ऐसे करके आप लोग कम से कम, हम वहां पर जाके नहीं देख सकते, लेकिन हम उनकी वेबसाइट में जाके बहुत सारे फोटोज वगैरह देख सकते हैं ताकि हमारे दिमाग में चीजें बनी रहे। ठीक, तो एक ये चीज हो गई। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, देखिए जो पेंगोलिन होते हैं ना, पेंगोलिन को क्या बोला गया है कि ये सबसे ज्यादा ट्रैफिक मैमल्स हैं, मतलब ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी तस्करी, जिनकी खरीद बिक्री सबसे ज्यादा होती है। तो वो कौन से जानवर हैं आपके, पेंगोलिन्स हैं। अब पेंगोलिन को फिर किसका दर्जा दिया गया है, आपका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आपका शेड्यूल वन के अंतर्गत इसको दर्जा दिया गया है, इसको सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, है ना। तो ये आपका हो गया, एक न्यूज रही थी। इसके अलावा देखिए क्यों इतनी ट्रैफिकिंग होती है, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्रीज में कभी औषधि बनाने के लिए, कभी उसकी खाल को, ऐसे करके बहुत सारे यूज होते हैं। इसलिए वर्ल्ड लेवल पे 2.5 बिलियन डॉलर का समझे इलीगल ट्रेड चलता रहता है। मतलब आप समझ रहे हैं 2.5 बिलियन डॉलर, मतलब समझ रहे हैं कि कितना ज्यादा, कितनी बड़ी मात्रा में इनका, इनकी ट्रैफिकिंग होती है। तो इन्हीं सबको प्रोटेक्ट करने की बात चल रही कि हम इंटरनेशनल लेवल पे आपस में कैसे सहयोग करके जो पेंगोलिन्स है ना, पेंगोलिन्स को सिक्योर करने का, सुरक्षित करने का प्रयास करें। तो यूपीपी से इसमें पर्टिकुलरली आपसे पूछ सकता है सबसे ज्यादा ट्रैफिक एनिमल कौन है, पेंगोलिन है। कौन सा शेड्यूल के अंतर्गत आता है, वन के अंतर्गत आता है। इंडिया में इसको पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज की वजह से ये सब मतलब मोस्ट ट्रैफिक मैमल्स की श्रेणी में आ गया है। ठीक है, तो ये वाली चीजें आप इस तरीके से याद रखेंगे। अब देखिए ऐसे एक पार्टनरशिप एक है ना, क्लाइमेट पार्टनरशिप हुई है किसके साथ, आपका यूएसए के साथ। तो इसमें भी बहुत कुछ खास नहीं है, देखिए कोई भी जैसे है ना, धीरे धीरे जैसे आप लोग पढ़ते जा रहे हैं, चीजों को समझते जा रहे हैं, तो देखिए मेन सारी चीजें ओवरऑल सब में सेम होती है। कोई भी ट्रीटी हो जाए है ना, कोई भी मीटिंग हो जाए, कोई भी कॉन्फ्रेंस हो जाए, बेसिक चीजें सारी सेम रहती है। बस अगर कोई चीजों को समझिए बाध्यकारी बना दिया जाए, बाइंडिंग बना दिया जाए, है ना, तो ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। अब जैसे क्लाइमेट पार्टनरशिप किस, जैसे वन लाइनर में आपसे पूछेगा किसके साथ हुई है क्लाइमेट पार्टनरशिप, आप बताएंगे यूएसए के साथ हुई है। क्या क्या चीजें हुई है, वही अगेन एनर्जी डेवलपमेंट, फॉरेस्ट्रेशन, है ना, ग्रीन बिल्डिंग्स, इन सबसे मतलब समझिए जितने भी क्लाइमेट में जो हम ह्यूमन एक्टिविटीज का जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको धीरे धीरे हम कैसे कम करेंगे। तो वन लाइन में, एक लाइन में आप क्या याद रखेंगे, क्लाइमेट पार्टनरशिप किसके साथ हुई है आपकी, यूएसए के साथ हुई है, है ना। देखिए यहाँ पर बाकी आपको डिटेल मिल जाएगी, हमारे देश के आपके नरेंद्र मोदी और आपके यूएसए के प्रेसिडेंट आपके कौन है, जो बिडेन के बीच में ये समिट हुई थी, ये चीजें हो गई। अब देखिए फिर से अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात आए, तो जितने आपके समुद्री प्रदूषण है ना, जो हमारे मरीन लेटर है, उनको समझिए दूर करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हम किसके साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं, जर्मनी के साथ। तो अगर मरीन पॉल्यूशन या जो समुद्री प्रदूषण से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है कि किसके साथ हम डील कर रहे हैं, तो हम जर्मनी के साथ डील कर रहे हैं। जो आपका समुद्री जो प्रदूषण होता है ना, या जो आप बीच की फोटोज देखते हैं जिसमें बहुत सारे प्लास्टिक और कूड़े करकट होते हैं, तो उनका सबसे बड़ा मतलब नुकसान क्या होता है कि जो प्लास्टिक समझिए है ना, देखिए कहीं का भी पानी, जैसे हम मान लीजिए हम फेस वॉश यूज करें, ठीक है, या हम कोई भी स्क्रब यूज करें, तो उसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे आपके पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज चलती है जिससे छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना उत्पन्न होते हैं। वो क्या करते हैं, अलग अलग नदियों के सहारे या है ना बहुत सारी चीजों के सहारे आपके समुद्र में पहुंच जाते हैं। तो समुद्र में पहुंचने के बाद वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, आपका जो माइक्रो प्लास्टिक्स है, मतलब जिनकी साइज बहुत है ना 10^-6 के लगभग होती है, जो माइक्रो प्लास्टिक्स की कैटेगरी में आते हैं, वो ओशन के फूड चेन में प्रवेश कर जाते हैं। तो जो आपके है ना समझिए अलग अलग लेवल्स पे, समझिए आपके उत्पादक से लेके आपके टर्शरी कंज्यूमर तक, वो चीजें धीरे धीरे ट्रांसफर होती चली जाती हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक जो है आपके मरीन पोल्यूशन का बहुत बड़ा फैक्टर है, समझिए बहुत ज्यादा, समझिए डेंजरस फैक्टर है, जिससे पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स होने की संभावना भी होती है। तो इन्हीं सबको प्रिवेंट करने के लिए क्या, किसके साथ हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, इंडिया का जर्मनी के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है।
ठीक, तो ये चीजें आपकी इम्पोर्टेंट हो गई। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क फायर, ठीक है। तो जैसे अलग अलग स्टेट्स में है ना फॉरेस्ट फायर की घटनाएं बहुत चल रही है, उत्तराखंड हो गया है ना, या इससे पहले जैसे अगर हम ऑस्ट्रेलिया के फायर की बात करें, ऑस्ट्रेलिया फायर में जो आपकी जितने है ना वहां की जितनी प्रजातियां थी उनमें बहुत कहते हैं कि 70-80% तक उनमें रिडक्शन आ गया है, तो ये सारी चीजें होती रहती है। तो ये फॉरेस्ट फायर की घटना के कारण जो आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वो क्या हो गया है, न्यूज में आ गया है। तो सबसे पहली बात आती है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, आपका मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा ये क्या टाइगर रिजर्व है, तो बिल्कुल टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर देखिए डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। बांधवगढ़ कहाँ है आपका, उमरिया डिस्ट्रिक्ट आपके मध्य प्रदेश में है, है ना। आपको किलोमीटर्स वगैरह तो याद रखने नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि बांधवगढ़ को टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया है। और अगर बात करें कि बायोडाइवर्सिटी, ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, इसीलिए उसको हमने नेशनल पार्क का दर्जा दिया है। और उससे इम्पोर्टेंट एक चीज क्या आ जाती है कि जो टाइगर्स की जो डेंसिटी है ना, मतलब पर किलोमीटर कितने टाइगर्स पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा कहाँ देखे जाते हैं आपके, जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, वहां पर है ना आपका जो टाइगर्स की डेंसिटी है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना 8 टाइगर्स पर किलोमीटर स्क्वायर, एक किलोमीटर स्क्वायर में कितने टाइगर्स हैं यहाँ पे, 8 टाइगर्स हैं, मतलब समझिए सबसे ज्यादा डेंसिटी आपकी कहाँ है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है। तो ये चीजें हो गई। अब इसके अलावा आप लोग ये वाला मैप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को सारे दिख रहे हैं नेशनल पार्क जितने आपके एमपी में है ना, जैसे आपका यहाँ पर देखिए माधव है, पन्ना है, वन विहार नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ देखिए यहाँ पर आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, ठीक है, ये आपके अरावली रेंज हो गई, आपके विंध्यस हो गए, आपकी सतपुड़ा हो गई है ना। तो आपके नर्मदा नदी कहाँ से बहती है, आपका विंध्य और सतपुड़ा के बीच से, रिफ्ट वैली से बहती है, तो यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा है ना, ये आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये आपकी हो गई सतपुड़ा रेंज हो गई है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग ऐसे ऐसे करके यहाँ पर देखिए आपकी महादेव पहाड़ियां हैं, यहाँ पर आपका मैकाल रेंज है ना। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे मैप के थ्रू, तो अगर मान लीजिए कल को फिर क्वेश्चन बनता है कि कौन से पर्टिकुलर पहाड़ी के पास, कौन से पर्टिकुलर रेंज के पास ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क पाया जाता है, तो आपको आइडिया रहेगा कि कहाँ पे कौन सा है। जैसे आप देखिए संजय नेशनल पार्क यहाँ पर है ना, मैकाल रेंज के पास आपका, या सतपुड़ा रेंज के पास आपका कौन सा हो गया, सतपुड़ा हो गया। तो ऐसे करके अगर आप लोग मैप के थ्रू देखेंगे, क्योंकि देखिए कभी क्या होता है फिर रिवर्स के फॉर्म में पूछ लेता है कि इस पर्टिकुलर रिवर से, इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क से कौन सी रिवर ट्रेवल करती है, तो अगर आप लोग मैप के थ्रू देखेंगे तो कम से कम वहां पे आप लोग एलिमिनेट करने में सक्षम होंगे कि हाँ भाई चलो पन्ना तो ऊपर है, पन्ना ऊपर है तो मतलब वो समझिए यहाँ पर से नहीं जा सकता, नर्मदा नदी के इर्द गिर्द वो नहीं है, है ना। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में एलिजिबल होंगे। तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में क्या है, सबसे ज्यादा आपका जो टाइगर डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है, इसके अलावा आपका ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक। तो ये चीजें आपकी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसके बाद आपकी आती है जल शक्ति अभियान कैच द रेन, है ना। देखिए इसमें क्या हो रहा है आपका, सबसे पहली बात तो वही की है ना आपका, देखिए मार्च जो 21 है इसको क्या दर्जा दिया गया है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, है ना। तो अगर सीधे क्वेश्चन आपको पूछ लेता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब है, तो आपका 21 मार्च को है। इसके अलावा जो आपकी थीम थी यहाँ पर दी हुई है आप लोग याद रख सकते हैं, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग, ठीक है। तो ये चीज आपकी थीम हो गई, ठीक। इसके अलावा देखिए जल शक्ति अभियान के अंतर्गत किस बारे में बात की गई, की जाएगी, वही कि जितने आपके है ना हम समझिए जैसे जो बारिश है ना, बारिश का जो जल होता है वो बहुत जल्दी बह के समझिए मतलब जो भूमि है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो जिसकी वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसकी मात्रा में वृद्धि नहीं होती। तो अगर जो आपका बारिश वाला जो पानी है ना, जो आश्रित जल होता है, अगर उसको हम अलग अलग चीजों के थ्रू, अलग अलग मेथड्स के थ्रू अगर हम अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ावा देने में है ना, मतलब उनकी मात्रा में वृद्धि करने में यूज करें, तो ये वाली सारी चीजें किससे संबंधित हो जाती है, आपकी जल शक्ति अभियान या फिर कैच द रेन से संबंधित हो जाती है। थीम आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में मनाया जाता है, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। देखिए इसके अलावा फिर आपका है एशियाटिक चीता इन इंडिया, है ना। तो देखिए क्या है आपका, जो चीता है जो है ना एशियाई चीता है, उसको आप लोगों को यहाँ पर एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त
की श्रेणी में रखा गया है जितनी आपकी रेड लिस्ट होती है ना, यहाँ पे देखिए, क्योंकि 1947 में जो लास्ट है ना, मतलब जो नोन था समझे, जो चीता जो पता था कि ये जीवित है, उसको उसकी उसका शिकार हो गया, उसकी वजह से समझे 1952 में इसको गवर्नमेंट के द्वारा विलुप्त या एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर क्या चीज आ जाती है कि हम अलग अलग देशों से, मेनली जो आपके अफ्रीका के देश हैं, वहां से हम क्या बात कर रहे हैं कि अलग अलग चीता को इंडिया में लाने की बात कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर उनकी पॉपुलेशन में वृद्धि कराई जा सके। तो देखिए क्या है आपका, हमने नामीबिया से एशियाटिक चीता के बारे में बात की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है ना। और इसके अलावा एशियाटिक चीता को किसके अंतर्गत रखा गया है, आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड के थ्रू के अंतर्गत रखा गया है, कहाँ पर आपका IUCN रेड लिस्ट में। मतलब देखिए वो है तो, अगर IUCN की रेड लिस्ट में हम बात करें तो वो किस श्रेणी में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में है, लेकिन चूंकि वो इंडिया में नहीं है, इसलिए हमने मतलब जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंट या फिर विलुप्त घोषित कर दिया गया था, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। हमने कहाँ से रिक्वेस्ट की थी आपकी, नामीबिया से रिक्वेस्ट की थी, बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। और टाइम टाइम पे चीजें चलती रहती है ना, जैसे आपके अगर मान लीजिए कोई किसी देश के किसी पर्टिकुलर नेशनल पार्क में अगर हम किसी मतलब समझे है ना स्पीशीज को लाने की बात करेंगे, तो वो पर्टिकुलर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हो जाएगा और उसका IUCN स्टेटस क्या है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये आप लोग क्या याद रखेंगे, एशियाटिक चीता जो एशियाई चीता है उसको भारत में तो वो विलुप्त है, लेकिन उसकी IUCN में कौन सी कैटेगरी आती, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए इसके अलावा देखिए एक चीज क्या न्यूज में रही कि जो आपका रणथंभौर है, रणथंभौर कहाँ है आपका, राजस्थान में है। तो जो आपके रणथंभौर नेशनल पार्क से 6 टाइगर मिसिंग हो गए, तो क्या उनकी हंटिंग हुई, पोचिंग हुई, कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, है ना, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। तो इसकी वजह से आपका रणथंभौर जो नेशनल पार्क है वो न्यूज में आ गया। तो देखिए क्या बोल रहा है आपका, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट रिनोम्ड नेशनल पार्क इन नॉर्दर्न इंडिया। द पार्क इज लोकेटेड इन द सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट इन साउदर्न राजस्थान, ठीक। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा चूंकि रणथंभौर किस चीज के लिए फेमस है आपका, वही टाइगर्स के लिए फेमस है। तो पर्टिकुलर प्रजाति के रूप में आप लोग क्या याद रखेंगे, रणथंभौर में आपका कौन सी मतलब है ना टाइगर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। इसके अलावा ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका, सवाई माधोपुर में है। इसके अलावा आपका कहाँ से मैचिंग में पूछ सकता है ना कि आपकी कौन से स्टेट में कौन सा पर्टिकुलर नेशनल पार्क है, तो आपका रणथंभौर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अभी थोड़ी देर हमने जब रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था, तो राजस्थान की कौन सी लेक आपके मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, आपकी केवला देव जो है उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत है ना दर्जा दिया गया है, क्योंकि वहां पर बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से समझिए जो उनका नेचुरल जो सिस्टम बना हुआ है वो प्रभावित हो रहा है, इसलिए आपके केवला देव को किसकी श्रेणी में रखा गया आपका, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। तो ऐसे आप लोग रिलेट कर करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को कभी भूलना नहीं होगा, है ना। अभी देखिए आप लोगों ने देखा होगा ना कल UPSC का रिजल्ट आया है, तो देखिए कितनी समझ कितने टाइम की मेहनत, एक दिन समझे है ना ऐसे लिस्ट में नाम आ जाता है किसी का। तो देखिए कभी भी आप देखेंगे तो ऐसा लगता है ना कि इतनी सारी चीजें हैं, इतना सारा सिलेबस है हमारा, एक सब्जेक्ट ही हमको इतना टाइम ले रहा है। तो देखिए कोई भी ऐसा नहीं होता कि आज हमने स्टार्ट किया और ये वाला हमने तुरंत अटेम्प्ट दिया और हम तुरंत IAS बन जा रहे हैं। अभी आप किसी के भी बैक स्टोरी जाके देखिए, अभी तो क्या है बिल्कुल कोई भी स्टूडेंट है जो सेलेक्ट हुआ जिसका नाम आया है वो बिल्कुल लाइमलाइट में आ गया है ना, हर कोई कह रहे कि कितना आप इसने मेहनत किया, कितनी चीजें क्या की है। लेकिन अगर आप उनके बैक स्टोरी में जाके देखेंगे, बैकग्राउंड में जाके देखेंगे कि कितनी उन्होंने मेहनत की है, क्या क्या उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं, कितनी बार रिविजन किया है, तो समझिए वो जो उनको है ना PDF में जो उनका नाम आया है समझिए वो एक वर्थ हो जाता है। तो समझिए ऐसे लोगों से उनको इंस्पिरेशन लेनी है ना कि कैसे हमको पढ़ाई करनी, कितने अब देखिए क्या होता है कई लोगों के साथ कि एकदम जैसे मान लीजिए कल रिजल्ट आया, ठीक है, एकदम हम जोश में आ जाते हैं, अरे अब तो हम 10 घंटे पढ़ाई कर देंगे, हम 12 घंटे अब पढ़ाई करेंगे, क्या होगा नेक्स्ट डे आप 12-13 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन आपका दिमाग इतना एग्जॉस्ट हो जाएगा कि फिर नेक्स्ट 2 दिन आपको रेस्ट करना पड़ेगा, कहेंगे कि आज तो हमने भाई बहुत पढ़ लिया, आप दूसरा दिन हमको रेस्ट चाहिए। तो ये आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना, आप भले 7-8 घंटे पढ़िए, 6 घंटे भी आप डेली पढ़िए, लेकिन जो आपका 6 घंटे का एवरेज है उसको बना के रखिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप आज तो 14 घंटे पढ़ लिए,
आपने रात को आप रात को सोए नहीं, आप कहेंगे कि आज मेरे को पॉलिटी खत्म करनी है, आज मेरे को इन्वायरमेंट खत्म करना है, वैसा कुछ नहीं. प्रैक्टिकल होके जितनी आपकी बॉडी को नींद की रिक्वायरमेंट है, जितने फूड की रिक्वायरमेंट है, वो सबको रखिए. लेकिन अगर आपका सिक्स आवर्स फिक्स है कि मेरे को सिक्स आवर्स एवरेज पढ़ना ही है, उतना आपको मेंटेन करके चलना है. ऐसा नहीं कि एकदम जोश में आके इतना पढ़ लीजिए आज कि कल आपकी बॉडी में हिम्मत ही ना रहे कुछ पढ़ने की, है ना. तो ये समझिए एक बहुत लंबी जर्नी है. धीरे धीरे आप लोग ऐसे करके धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, धीरे पढ़ते जाएंगे, तभी सारी चीजें आप लोगों को याद होती चलेंगी. ठीक. अब देखिए देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, नेक्स्ट आपका करंट अफेयर आता है, प्रोजेक्ट वी हैव टू प्रिवेंट एलिफेंट. ठीक. तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन तो यही कि आपका प्रोजेक्ट रीहैब किस चीज से संबंधित है, आपका एलिफेंट के प्रोटेक्शन से, मतलब सॉरी एलिफेंट के प्रिवेंशन से. प्रिवेंशन मतलब देखिए गांव या अलग अलग क्षेत्रों में आपके एलिफेंट प्रवेश कर जाते हैं, है ना, और वहां के समझे कृषि को या अलग अलग चीजों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. तो इसीलिए क्या हो रहा है आपका, उन किसी किसी जो मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर ह्यूमंस की पॉपुलेशन ज्यादा है ना, वहां पर आपके इन एलिफेंट को रोकने के लिए, उनके आगमन को रोकने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं आपका प्रोजेक्ट रीहैब कहा जा रहा है. ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है आपका, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, जो आपका KVIC है उसके द्वारा. इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है आपका, बी फेंसेस, है ना. देखिए क्या होता है, जैसे अगर हाथियों का कहीं झुंड जा रहा है और वहां पर उनको मधुमक्खियों का साउंड सुनाई देता है, तो क्या करते हैं उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते में चलने लगते हैं, है ना. तो क्योंकि मतलब समझिए एक तरीके से डर है, समझिए, है ना, हाथियों को. तो इसी चीज का, इसी नेचुरल फिनोमिना को सहारा लेके जो आपका KVIC है, जो आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, वो इसी चीज को बेस बना के कौन सा प्रोजेक्ट चला रहा है, प्रोजेक्ट रीहैब चला रहा है. इसमें देखिए क्या किया जाएगा कि अलग अलग फेंसिंग की जाएगी, अलग अलग क्षेत्रों में फेंस लगाए जाएंगे, जिस जहां पर आपका ऐसी ऐसी आवाज होगी, है ना, मतलब जो मधुमक्खियों की ऐसी आवाज होगी जिसको सुन के उस पर्टिकुलर एरिया में प्रवेश करने से हाथी बचेंगे. तो आपका प्रोजेक्ट रीहैब का संबंध किससे, आपका प्रिवेंट एलिफेंट, है ना, मतलब उस किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में आपके हाथियों के प्रवेश को रोकने से संबंधित है. वैसे ही एक आपका कौन सा मिशन है, हनी मिशन. यहाँ पर देखिए हनी मिशन है, ठीक है. ये भी किसके द्वारा सेट किया गया है, आपका KVIC के द्वारा सेट किया गया है. इसमें भी क्या किया जा रहा है आपका, बी बॉक्सेस, है ना, जो मधुमक्खियों के अलग अलग बॉक्सेस कुछ पर्टिकुलर लोकेशन में लगाए जाएंगे, ताकि वहां पे जो आपका एलिफेंट्स की जो एलिफेंट्स का जो प्रवेश है, जो एंट्रेंस है, वो ह्यूमन हैबिटेशन में ह्यूमन के आवास की ओर ना हो सके. तो ये चीज आपका किससे संबंधित है, आपका हनी मिशन से संबंधित है, ठीक है. तो देखिए वैसे ही आप दोनों याद रखेंगे, जो आपका प्रोजेक्ट रीहैब है और जो आपका हनी मिशन है, दोनों एलिफेंट्स के प्रवेश से संबंधित है. दोनों को किसके द्वारा आपका चलाया जा रहा है, KVIC, है ना, जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज सेंटर जो है उसके द्वारा आपका चलाया जा रहा है. इसके अलावा देखिए डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, हाई रिजोल्यूशन कैमरा, विजन कैमरा इंस्टॉल किए जा रहे हैं, ताकि उनकी हर एक्टिविटीज पे हम नजर रख सके, है ना. तो ये सारी चीजें इससे संबंधित आपकी प्रोजेक्ट रीहैब से संबंधित हो जाती है. देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है क्या, मास नेस्टिंग ऑफ टर्टल बीन इन ओडिशास गहेरमाथा, है ना. जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में देखा, उसके बाद हमने आपका ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में देखा. ये सब कहाँ है आपका, आपका ओडिशा में है. तो जो हमें ऑलिव रिडले टर्टल्स की बात की थी, ये हर साल न्यूज में आ ही जाता है. क्यों, क्योंकि मास नेस्टिंग आपकी कहाँ होती है, गहेरमाथा का जो क्षेत्र है, मतलब जो ओडिशा में जो गहेरमाथा क्षेत्र जो है, जिसको मरीन सेंचुरी का दर्जा दिया गया है, वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में जो आपके ऑलिव रिडले टर्टल्स होते हैं उनकी नेस्टिंग होती है, मतलब उनका प्रजनन की पूरी साइकिल, पूरी प्रक्रिया चलती है, इसीलिए ये चीजें यूज में रहती है. अब देखिए जो आपका गहेरमाथा मरीन सेंचुरी है, उसमें दो आइलैंड है, एंड यहाँ पर देखिए NASI 1 NASI 2, ठीक है. यहाँ इन पर्टिकुलर दो आइलैंड्स में, दो द्वीपों में आपकी मास नेस्टिंग चल रही है आपके जितने भी टर्टल्स हैं, ठीक है. देखिए यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में लिखा हुआ चीजें. इसके अलावा देखिए जो आपका गहेरमाथा है, उसको 1997 में जो किस चीज का दर्जा दिया गया था, आपका मरीन सेंचुरी का दर्जा दिया गया था, है ना. तो ये सारी चीज आपको किससे संबंधित है, ओडिशा से संबंधित है. अब आप लोग क्या करेंगे, जाके अभी जब आप लोग ना पढ़ेंगे, तो आप लोग ओडिशा में नेशनल पार्क है, जितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, आपका चाहे भीतरकनिका हो गया, चाहे आपका सतकोशिया हो गया, है ना, इन सारी चीजों को आप लोग अच्छे से देखेंगे. इसके अलावा चिल्का लेक, जैसे है ना, आप जानते हैं चिल्का लेक है ओडिशा में, तो क्या चिल्का लेक किसी पर्टिकुलर नेशनल पार्क के आसपास में है,
ये सारी मतलब जो आप लोग मैप उठाते हैं सारी चीजों को धीरे धीरे देखते चले जाएंगे, तब आप लोगों की समझिए प्रॉपर जो 360 डिग्री प्रिपरेशन कहते हैं ना जिसको, वैसी होगी। तो ये वाला करंट अफेयर आपका इस चीज से संबंधित है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका सिमलीपाल फॉरेस्ट फायर पुट ओडिशा लोढ़ा ट्राइब इन ट्रबल। ठीक, तो देखिए अगेन आपका ओडिशा न्यूज में आ गया, क्यों? क्योंकि वहां का जो सिमलीपाल है ना, जो सिमलीपाल जो सिमलीपाल जो रिजर्व है, नेशनल पार्क जो, सॉरी, वहां पर क्या हो गया, फॉरेस्ट फायर की घटना देखी गई, जिसकी वजह से वहां की जो लोढ़ा ट्राइब थी उसको रिस्क आ गया। मेन न्यूज ये थी, लेकिन फिर बैकग्राउंड में हमको क्या देखना है, लोढ़ा ट्राइब के बारे में, सिमलीपाल नेशनल पार्क के बारे में। ठीक, तो वन लाइन, एक लाइन में शिमली नेशनल पार्क, शिमली राष्ट्रीय पार्क कहाँ है आपका, ओडिशा में है। कौन सी प्रजाति इसमें निवास करती है, लोढ़ा ट्राइब निवास करती है। तो अब लोढ़ा ट्राइब को किसका दर्जा दिया गया आपका, पीवीटीजी का दर्जा दिया गया है ना। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ना कि पीवीटीजी क्या होते हैं। देखिए क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया हुआ है ना, अगर आप लोगों को पता हो कि जैसे देखिए हमारे देश में बहुत सारे आपके ट्राइबल ग्रुप्स हैं, बहुत सारी जनजातियां उपस्थित है ना, लेकिन कुछ जनजातियां ऐसी है जो अभी भी समझिए बिल्कुल भी आधुनिकता की श्रेणी में नहीं आई हुई है ना, बहुत अभी भी उनका लाइफस्टाइल, उनकी चीजें, एजुकेशन बहुत लो है, किसी भी प्रकार की तकनीक का वो सहारा नहीं लेते, स्लैश एंड बर्न मेथड टाइप के है ना, हंटर गैदरर टाइप की जो अवस्था होती है उस अवस्था से वो बहुत हद तक अभी निकल नहीं पाए हैं। मतलब जो आदिम जनजातियां जिनको कह सकते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं आपका, पीबीटीजीस का नाम देते हैं। पीबीटीजीस की संख्या इंडिया में कितनी है आपकी, 75 के लगभग जितनी जनजातियां हैं उसको हम लोग पीबीटीजी का दर्जा देते हैं। अब उसमें जो लोढ़ा ट्राइब है जो कहाँ निवास करती है आपकी, ओडिशा के सिमलीपाल में निवास करती है, वो भी आपकी किसकी श्रेणी के अंतर्गत आती है, आपकी पीवीटीजी के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए बहुत सारी मनकेड़िया जैसी बहुत सारी ट्राइब्स है जिनको पीवीटीजी का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा देखिए लोढ़ा ट्राइब के अलावा भी बहुत सारी ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो आपके इस पर्टिकुलर सिमलीपाल फॉरेस्ट में निवास करते हैं ना। तो ये सारी चीजें आपकी किससे संबंधित हो गई, इस पर्टिकुलर सिमलीपाल नेशनल पार्क से संबंधित हो गई। तो अब आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा ना कि किस तरीके से पढ़ना है। जैसे आप लोग है ना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में कोई भी चीज आ जाती है ना, कोई भी पर्टिकुलर मान लीजिए एरिया, कोई भी पर्टिकुलर फॉरेस्ट, कोई भी पर्टिकुलर समझे हिल या है ना माउंटेन आपका न्यूज में आता है, आप मैप में जाके देखेंगे, उस पर्टिकुलर स्टेट की उस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके देखेंगे कि वहां की कौन सी चीज आपकी फेमस है। तो इसी तो आप लोग आज आप लोग कम से कम ओडिशा का तो देख लेंगे, क्योंकि ओडिशा आज जितने भी हमने करेंट अफेयर पढ़े हैं उसमें आपके ओडिशा के और असम के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है ना, क्योंकि असम में तो आपके नेशनल पार्क की संख्या बढ़ गई, लेकिन उड़ीसा में तो आपकी अलग अलग बहुत सारी चीजें न्यूज में रही। तो ये दोनों के कम से कम आप लोग सारी चीजें, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जितने आपके रामसर साइट्स हैं है ना, ये सारी चीजें, जितने आपकी नदियां किस पर्टिकुलर नेशनल पार्क से बहती हैं, इन सारी चीजों को आप लोग आज जाके देखेंगे। ठीक, तो ये चीजें आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब देखिए जैसे अभी हमने नेशनल सॉरी रामसर के बारे में देखा था, तो वैसे जो आपका आगरा का जो सुर सरोवर जो नेशनल पार्क सॉरी सुर सरोवर जो लेक है उसको किसके अंतर्गत रखा गया है आपका, रामसर साइट के अंतर्गत रखा गया है। सुर सरोवर को आपको क्या कहते हैं, हम कीठम लेक भी कहते हैं। ये कहाँ है, जो आपका आगरा दिल्ली जो हाईवे है वहां पर इसकी अवस्थिति है ना। तो ये सारी चीजें देखेंगे। देखिए हमने तो वहां पर देख लिया था टोटल कितनी हो गई, आप हमारे देश में 46 हो गई है। तो जो बिल्कुल आई थिंक जुलाई अगस्त में ही उन चारों को ऐड किया गया था, इसलिए उनको सबसे रिसेंट माना जा रहा है। लेकिन क्योंकि हमको यूपी का भी पढ़ना है, तो आपका जो है ना कीठम जो या जो सुर सरोवर है उसको भी आपका इसकी श्रेणी में रखा गया है। तो ये सारी चीजें आप लोग, क्योंकि हमने रामसर कन्वेंशन के बारे में देख लिया, तो ये सारी चीजें आप लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, एक तरीके से ये वाला LASI है ना। देखिए एग्जाम में आपसे सीधे पूछ सकता है LASI का संबंध किस चीज से है। तो जो आपका हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया है ना, इसका फुल फॉर्म है आपका लासी का, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया के तहत एक प्रकार से एक प्लेटफॉर्म, एक प्रकार से एक सर्वे किया गया है, जिसमें आपका क्या बताया जा रहा है कि जितनी पॉपुलेशन है, मतलब जितनी है ना समझे किस प्रकार से एजिंग हो रही है, कितने पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है, उनका सोशियो इकोनॉमिक क्या समझ उनको नीड है ना, इन सब के बारे में आपकी जितनी भी जानकारियां होंगी वो किसके अंतर्गत की जा रही है आपकी इस पर्टिकुलर
लासी जो सर्वे है ना, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया के अंतर्गत की जा रही है। अब ये हमने स्टडी कर लेंगे, ये सारे सर्वे के थ्रू हम सारी जानकारियां एकत्र कर लेंगे, इसका यूज क्या होगा कि इन फ्यूचर अगर हमको कोई हेल्थ मिशन चलाना है ना, किसी भी प्रकार के सोशल, मतलब समझिए सोशल रिफॉर्म की कोई भी एक्टिविटी चलानी, कोई भी प्रोग्राम चलाना है, तो इन सारे डेटा को, इस सर्वे के जितने डेटा है उसको हम देख के कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को इस चीज की नीड है, उनका हेल्थ स्ट्रक्चर ऐसा है ना, उनको मतलब किस किस चीज की नीड है, उन सब की जानकारी इस पर्टिकुलर सर्वे से हमको मिल जाएगी और हम अपने प्लान्स को, अपने प्रोग्राम्स को ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग ये सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका, लासी का संबंध किससे है, एक प्रकार से एजिंग, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एजिंग सर्वे ऑफ इंडिया से इस चीज का संबंध है। ठीक, बाकी डिटेल आप लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है आपका सुनामी रेडी प्रोग्राम है ना, तो अगेन आपका जैसे यूपीपीसीएस या इवन यूपीएससी में भी जो वन लाइन में क्वेश्चन आते हैं कि इसके द्वारा चलाया जा रहा है, आपका यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ठीक, इसमें क्या क्या बात की जाएगी, जो आपके हम कितने प्रिपेयर हैं, अगर कल को कोई सुनामी आती है तो कोई भी कंट्री कितनी प्रिपेयर है उस चीज से डील करने के लिए, हमारा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो कितना एक्टिव है, तुरंत अगर हम किसी तुरंत हमको अगर किसी पॉपुलेशन को, पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन को अगर हमको किसी दूसरे स्थान पर लेके जाना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करना है अगर, तो हम कितनी ज्यादा शीघ्रता से लोगों को बचा सकते हैं, है ना, सुनामी से निपटने के लिए। तो इन सब के बारे में किसके अंतर्गत बात की गई है, आपके यूनेस्को के सुनामी रेडी प्रोग्राम के अंतर्गत बात की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इससे संबंधित हो जाती है। ठीक, बाकी चलिए बाकी तो चीजें हम कल देखेंगे। तो देखिए जितना भी आप लोग करंट अफेयर में पढ़ेंगे ना, तो यही ध्यान रखना है आप लोगों को कि जैसे अगर है ना, जैसे आपका ये जो कुछ तो एवरग्रीन है, आपके सीओपी की चीजें, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें है ना, ये सारी चीज तो आपकी एवरग्रीन है, हर बार समझे पूछ लेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई एक्ट है ना, जैसे आपका 1972 का एक्ट हो गया, या जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हो गया है ना, उसके अंतर्गत अगर मान लीजिए कोई नया अमेंडमेंट किया जाएगा तो वो चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। और अभी जैसे आपका किगाली अमेंडमेंट आ गया है ना, किगाली अमेंडमेंट की वजह से क्या हो गया, आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट हो गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से जो पूरा आपका ओजोन का और ओजोन डिप्लीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट हो गया। मतलब समझिए आपको स्टैटिक और आपको करंट अफेयर को पैरेलल लेके चलना है। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे जो चीजें हमने आज पढ़ी हैं, आज क्या करेंगे हम लोग कि ये सारी चीजें पढ़ लिए और इनका बैकग्राउंड जो स्टैटिक में जो हमने पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए होंगे या जो आपने बुक खरीदी है, उन सब से आप लोग रिलेट करके इन चीजों को पढ़ लेंगे। ठीक, आप कोई डाउट है तो बताइए कुछ, है ना। बाकी चीजें देखिए ये स्लाइड आपको शेयर हो जाएंगी। हाँ जी, देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं स्लाइड शेयर हो जाएगी, अभी हम लोग थोड़ी देर में आप लोगों को सेंड कर देंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को शेयर हो जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे, आज ही समझिए स्टैटिक पोर्शन में जाके उस पर्टिकुलर चीज को पढ़ लेंगे। इसके अलावा कम से कम दो स्टेट्स आपके ओडिशा और असम, इन दोनों में जितनी भी चीजें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, सभी आज की आज आप लोग कवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगी, जैसे रैंडम, जैसे जो साउथ इंडिया, चलिए आप लोग ऐसे करेंगे साउथ इंडिया के चार स्टेट्स ले लीजिए है ना, आपका तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक, इन चारों स्टेट्स की आप लोग कल नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आपके जितने रामसर साइट्स हैं है ना, इन सबको आप लोग याद रखेंगे कम से कम उन चार स्टेट्स के, इसके अलावा ओडिशा और असम। तो आपके पास छह स्टेट हो गए, छह स्टेट आप लोग कल याद रखेंगे। मैं रैंडम जैसे क्लास के बीच में से पूछूंगी तो देखिए तब क्या है आपके दिमाग में है ना, चीजें बैठती चली जाएंगी, भूलेंगे नहीं आप लोग। बाकी अगर एनवायरमेंट ऐसे पढ़ने से, अगर हमने जो स्टैटिक वगैरह भी पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए आप लोग। उनके लिए तो ये सेक्शन मतलब समझिए मस्ट है, आपके एक दो क्वेश्चन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आएंगे ही आएंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है ना, मतलब देखिए कल को ऐसा ना हो कि है ना एक क्वेश्चन की वजह से हमने मतलब हमको ये मौका नहीं मिला, हमको मेंस देने का मौका ना मिला, तो वो चीजें बहुत अखरती है। और जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना आपके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये कहाँ है, ये चीज कहाँ है, तो मतलब फालतू में समझे है ना नंबर गेन कर सकते हैं हम, तो बहुत मतलब इसको बिल्कुल भी आप लोग लाइटली नहीं लेंगे। ठीक, तो चलिए फिर बाकी चीजें हम लोग कल देखेंगे। तो आप लोग साउथ इंडिया के जो चार स्टेट्स हैं, इसके अलावा ओडिशा और असम, इतना कम से कम प्रिपेयर कर रखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की चीजें देखेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम।
चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ओके थैंक यू। फिर उन्हें नो लगेगा कि हाँ ये भी बात सही है कि मैंने आपको तो नहीं कहा। ठीक है, आज को तो मना करा ना, मैं इसलिए नहीं आना चाह रहा क्योंकि बाद ही हो जाना फिर आदमी। मैंने कल भी वो